आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस सो so, इस वीडियो में जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है हमारा वाई एंड हाउ डिड पार्टीशन हैपन तो इसके अंदर हमारे सेवन सब टॉपिक्स हैं पर इस वीडियो के अंदर हम उसके सबसे पहले दो सब टॉपिक्स को इंक्लूड करेंगे जो कि है कलमिनेटिंग पॉइंट ऑफ अ लॉन्ग हिस्ट्री एंड सेकेंडली द प्रोवेंशियल इलेक्शन ऑफ नाइनटीन थर्टी सेवन एंड कांग्रेस मिनिस्ट्रीज तो हम पढ़ेंगे पहले कलमिनेटिंग पॉइंट ऑफ अ लॉन्ग हिस्ट्री को इन नाइनटीन ओ नाइन कलोनियल गवर्नमेंट क्रिएटेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स अब 1909 में क्या हुआ जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी कॉलोनियल गवर्नमेंट मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने मुस्लिम्स को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है सेपरेट इलेक्टोरेट दैट द मुस्लिम्स को नाउ इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव इन डेजिगनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज अब यहाँ से क्या हुआ जो मुस्लिम्स थे वो अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव को चूज करके उनको वोट दे सकते थे उनको इलेक्ट कर सकते थे जो भी कॉन्स्टिटेंसीज उनको दी गई थी मतलब जो स्टेट्स उनको गिवन थी सिर्फ उसी स्टेट से दिस क्रिएटेड टेम्पटेशन फॉर पॉलिटिशियंस टू यूज सेक्टेरियन स्लोगन्स एंड गैदर अ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटिंग फेवर्स टू ओन रिलीजियस ग्रुप्स अब इस सेपरेट इलेक्टोरेट से क्या हुआ जो हमारे पॉलिटिशियंस थे उनके पास एक बहुत अच्छा इशू बन चुका था कि वो अपनी कम्युनिटी को अपने रिलीजन वाले लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दे तो यहाँ से सेक्टेरियन स्लोगन्स निकल कर आए पाकिस्तान का जो टर्म है वो भी यहीं से उसका धीरे धीरे इमर्जेंस होना शुरू हो गया और वो ये पॉलिटिशियंस क्या करने लग गए अपने रिलीजियस ग्रुप वाले लोगों को अपने कल्चर वाले लोगों को उनको ज़्यादा प्रेफरेंस उनको ज़्यादा फेवर बांटने लग गए रिलिजस आइडेंटिटीज़ दस एक्वायर्ड अ फंक्शनल यूज़ विद इन अ मॉडर्न पोलिटिकल सिस्टम अब जो 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 ये मॉडर्न इंडिया था हमारा उस समय का जो हमारा उस समय मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम था तो ये रिलीजियस आइडेंटिटीज़ ये रिलीजन एक बहुत बड़ा फंक्शनल मतलब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने लग गया किस में पॉलिटिक्स में यहीं से हमारा एविडेंस हुआ वहाँ से यहीं से हमारा एडवेंट हुआ है रिलीजन का इन पॉलिटिकल सिस्टम जो कि अभी भी मॉडर्न इंडिया में प्रविलेंट है लॉजिक ऑफ़ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स डिपेंड एंड हार्ड इन दीज आइडेंटिटीज़ अब क्या हुआ धीरे धीरे जब पॉलिटिक्स आगे और बढ़ता चला गया तो ये जो हमारे आइडियाज़ थे रिलीजन के बेसिस पे लोगों को वोट डालना ये और भी ज़्यादा डीप होता चला गया और ये आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग बन गई इतनी डीप रूटेड हो गई कि ये अभी तक हटी ही नहीं है ड्यूरिंग ट्वेंटी एट सेंचुरी टेंशन ग्रू अराउंड अ नंबर ऑफ़ इशूज़ अब ट्वेंटी ऐट सेंचुरी के आते आते तक क्या हुआ जो टेंशन थी अलग अलग इशूज़ पे और भी ज़्यादा बढ़ने लग गई पार्टीशन का इशू आने लग गया और फ्रीडम का इशू आने लग गया और वेरियस पार्टीज़ और कॉन्स्टिट्यूशन इन सब चीज़ों को लेकर ऐसे वेरियस ईशूज़ यहाँ से अराइज़ होने शुरू हो गए एग्जाम्पल है म्यूजिक बिफोर मॉस्क काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट एंड दफर्ट्स ऑफ द आय समाज टू ब्रिंग बैक टू दिंदू फोल्ड इज अ शुद्धिटली कन्वर्टेड टू इस्लाम अब कौन से ट्वेंटी सेंचुरी में जो एकदम मेजर रोल प्ले करने लग गए सबसे पहला था म्यूजिक बिफोर मॉस्क तो अब जो ये था जैसे मॉस्क में सपोज एक टाइम पे नमाज़ पढ़ी जा रही है तो उस समय जो मुस्लिम्स थे जो अंदर प्रेयर करते थे वो नहीं चाहते थे कि उनके मस्जिद के बाहर गाने चलाए जाएं वो इसको एक डिसरिस्पेक्ट का फॉर्म मानते थे कि क्यों क्योंकि उस समय वो गॉड से कनेक्ट कर रहे हैं तो अगर उनके मस्जिद के बाहर ऐसे गाने बजते हैं जो कि मतलब नॉर्मली ऐसा होता था सपोज फेयर्स हो रहे हैं मेले वेले लग रहे हैं तो वो उसमें भी आपस में कम्यूनल वायलेंस वहाँ पे हो जाता था सेकेंडली काओ प्रोटेक्शन मूवमेंट कि गायों को बचा के रखना क्योंकि गाय जो काओ है वो हिंदू हिंदूज रिलीजन में काफ़ी ज़्यादा प्योर मानी जाती है उसको प्रे किया जाता है और वेर एज जो मुस्लिम्स हैं उसको एज अ मीट वो कंज्यूम करते हैं तो ये जो तो टेंशन थी कम्यूनल टेंशन ये और भी ज़्यादा डीप होती चली गई थर्डली जो हमारा आर्य समाज था उस समय आर्य समाज जो हमारा मूवमेंट आया वो बेसिकली इसी मूवमेंट को आया था क्या एम लेके शुद्धि मूवमेंट शुद्धि मूवमेंट का मतलब ये था कि जो हिंदूज जिन्होंने कन्वर्ट कर लिया है इस्लाम में उनको वापस अपने रिलीजन में लेकर आना तो उसे कहा गया शुद्धि मूवमेंट तो ऐसे काफी सारे टेंशन थे जो ट्वेंटी सेंचुरी में रिवॉल्व कर रहे थे साइड बाई साइड ये जो पॉलिटिकल इशूज थे ये भी चल रहे थे अब हमारे यहाँ पे जो साइड में हमेशा सब टॉपिक जाना इम्पॉर्टेंट है सबसे पहला वो है द लखनऊ पैक्ट द लखनऊ पैक्ट ऑफ दिसंबर 1916 तो एक पैक्ट था जिसको कि लखनऊ नाम दिया गया ये हुआ था लखनऊ में कौन से ईयर में 1916 इन द मंथ ऑफ दिसंबर अब ये क्या था इट वाज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग तो ये एक अंडरस्टैंडिंग थी किसके बीच में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में कांग्रेस एक्सेप्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट तो इसका मेन रोल लखनऊ पैक जो मेन एम था जो इतना इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है वो इसीलिए माना जाता है क्यों क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई कि मुस्लिम्स अब उनका सेपरेट इलेक्टोरेट अलॉट कर दिया जाए तो यहीं से हमारी कम्यूनल टेंशन स्टार्ट हो गई थी अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस यहीं से इग्नोर कर देती या रिजेक्ट करती थी इस सेपरेट इलेक्टोरेट के आइडिया को तो शायद आज हमारी जो हिस्ट्री है वो कहीं और होती सेकेंडली जो हमारा इशू यहाँ पे जाना जरूरी है वो है आर्य समाज का तो आर्य समाज क्या था आर्य समाज वॉज अ नॉर्थ इंडियन हिंदू रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़ द लेट नाइनटीन एंड द ट्वेंटी सेंचुरी तो ये नॉर्थ इंडिया में प्रेवलेंट था ये एक हिंदू रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन था जो कि कब स्टार्ट हुआ लेट नाइनटीन सेंचुरी में और ट्वेंटियथ सेंचुरी में कहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलर था इट वॉज पॉपुलर इन पंजाब इट रिवाइव्ड वैदिक लर्निंग लर्निंग मतलब जो वेदास थे उनकी लर्निंग पे इसका ज्यादा फोकस था कि हम अपने वेदाओं को ज्यादा अच्छे से जाने तो ये स्लोगन था हमारा आर्य समाज का एंड कम्बाइंड इट विद द मॉडर्न एजुकेशन इन द साइंसेस तो आर्य समाज का बेसिक जो एम था वो यही था कि जो वेदास है उनको दोबारा पढ़ाया जाए और उसको किसके साथ कंबाइन करा मॉडर्न एजुकेशन के साथ कि आजकल की जो जो एजुकेशन है उसके साथ उसे कंबाइन किया गया और साइड बाय साइड उसको साइंस भी उसमें इंक्लूड हुई तो ये एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम था जो कि हमारा आर्य समाज के अंदर स्टार्ट हुआ लेकिन इसका एक एम ये भी था शुद्धि मूवमेंट जो कि हमने अभी पढ़ा नो एज़ इट इज सेड इन गर्म हवा गर्म हवा एक मूवी है किसके ऊपर पार्टीशन के ऊपर इसमें एक कोर्ट है क्या है कम्युनल डिस्कॉर्ड हैपन्ड इवन बिफोर 1947 बट इट हैड नेवर लेड टू द अपरूटिंग ऑफ मिलियंस फ्रॉम देयर होम्स तो गर्म हवा जो मूवी है इट इज़ अ फिल्म ऑन पार्टीशन तो इसमें ये ये मेनली एक कोर्ट दिया गया है जो कम्यूनल वायलेंस था वो नाइनटीन से भी पहले एग्जिस्ट करता था लेकिन उसने इतना बड़ा रोल लिया नहीं था जितना उसने पार्टीशन के टाइम ले लिया था

कांग्रेस डिड वेल इन द इलेक्शन एंड वन एन एब्सल्यूट मेजोरिटी इन फाइव आउट ऑफ इलेवन प्रोवेंसेस तो ये जो इलेक्शन हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम इसमें क्या हुआ कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा और उसने एक मेजोरिटी गेन कर ली किन इन ग्यारह स्टेट्स थे तो उसमें से पाँच स्टेट्स में कांग्रेस ने मेजोरिटी गेन करी फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन सेवन ऑफ देम तो ग्यारह में से सात जगहों पर कांग्रेस की पार्टी थी

सो द लीग फेल दैट इफ इंडिया रिमेन यूनाइटेड दैन मुस्लिम्स वुड नॉट गेन पॉलिटिकल पावर बिकॉज दे वुड रिमेन अ माइनॉरिटी तो ये जो इंस्टेंस था लीग जो कांग्रेस ने मना कर दिया कि हम नहीं मुस्लिम लीग को अपने साथ ज्वाइन नहीं करेंगे और हमारी पार्टी यहाँ पे रहेगी तो ये मुस्लिम लीग को बहुत ज़्यादा हर्ट हुई उनको लगा यहाँ पर कि अगर हम इंडिया के साथ रहे हमेशा यूनाइट होके तो मुस्लिम्स को इतनी ज़्यादा रिकग्निशन नहीं मिलेगी क्योंकि हम हमेशा एक माइनॉरिटी ही रहेंगे और ये एक एब्सिल्यूट मेजॉरिटी है इंडिया में तो इसलिए हम को हमेशा ओवर पार करेंगे तो इसीलिए यहां से भी धीरे धीरे हमारे जो पाकिस्तान का आइडिया था वो धीरे धीरे कुछ लोगों के दिमाग में इमर्ज होने शुरू हो गया था द लीग दैट ओनली अ मुस्लिम पार्टी रिप्रेजेंट द मुस्लिम इंटरेस्ट तो मुस्लिम लीग को ऐसा लगा कि एक मुस्लिम पार्टी ही ऐसी पार्टी होगी जो कि मुस्लिम के मुस्लिम्स के व्यूज को मुस्लिम के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सकती है अब ये भी उन्होंने माना कि जो कांग्रेस थी वो एक हिंदू पार्टी थी मुस्लिम लीग वजपुलर इन दूनाइटेड प्रोविंसिम लीग थी कहां यूपी मद्रास एंड बॉम्बे तो इन तीनों स्टेट्स में मुस्लिम लीग बहुत ज्यादा फेमस थी मतलब लोग इनको बहुत अच्छे से सपोर्ट करते थे इन द यूपी द पार्टीड द मुस्लिम लीग प्रपोजल फॉर अशन ग लीग टेंडेड टू सपोर्ट लैंड लॉर्डिज्म विच द कांग्रेस विश टू बॉलिश तो यूपी में क्या हुआ जो कांग्रेस पार्टी थी उसने मुस्लिम लीग का जो आइडिया uh, था जो प्रपोजल था वो रिजेक्ट कर दिया था कि हम कॉलेशन गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे कॉलिशन गवर्नमेंट मतलब ज्वाइंट गवर्नमेंट ऑफ बोथ द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग क्योंकि जो लीग थी जो मुस्लिम लीग थी वो वहाँ पर लैंड लॉडिज्म को सपोर्ट करना चाहती थी लैंड मतलब लॉडिज्म को मतलब ज़मींदारी को सपोर्ट करना चाहती थी और कांग्रेस इस जमींदारी को इस लैंड लॉर्डिज़म को हटा देना चाहती थी तो इसी उसने वहाँ पर कॉलिशन गवर्नमेंट मुस्लिम लीग के साथ फॉर्म नहीं नहीं अब 1937 में क्या हुआ जब मौलाना आज़ाद थे मौलाना आज़ाद उस समय जो कांग्रेस पार्टी थी उसके लीडर थे उन्होंने ये कहा सेट दैट द मेम्बर्स ऑफ द कांग्रेस वर नॉट अलाउड टू जॉइन द लीग बट कांग्रेस मैन वर एक्टिव इन द हिंदू महासभा तो मौलाना आज़ाद जो समय कांग्रेस लीडर थे उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन नहीं कर सकते लेकिन जो कांग्रेस के जो लोग थे वो हिंदू महासभा को ज्वाइन कर सकते हैं हिंदू महासभा वो पार्टी थी जो कि हिंदूज के आइडियाज़ और इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती थी वेर एज मुस्लिम लीग मुस्लिम्स के आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करती थी अब दिसंबर 1938 में क्या हुआ कांग्रेस वर्किंग कमेटी सी डब्ल्यू सी है डिक्लेयर दैट कांग्रेस मेंबर्स कुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द महासभा अब नाइन दिसंबर 1938 में क्या हुआ जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी उसने डिक्लेयर करा कि जो कांग्रेस के मेंबर्स हैं वो हिंदू महासभा के पार्ट नहीं बन सकते तो मौलाना आजाद की पिक्चर है और यहाँ पे हमारी कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स हैं इनकी इमेजेस यहाँ पे शो है दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड विन हिंदू महासभा एंड राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ दैट इज आर एस एस गेनिंग स्ट्रेंथ तो ये एक वो टाइम भी था जब हिंदू महासभा और आर एस एस दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग इमर्ज हो रहे थे धीरे धीरे By 1940s, the RSS had over one lakh trained and highly disciplined cadres, pledged to an ideology of Hindu nationalism, convinced that India was a land of Hindus. So, 1940 में आते आते तक RSS के कम से कम एक लाख से भी ज़्यादा trained जो उसके अंदर militants थे, cadres थे, मतलब वो अपने अंदर लोगों को लेते थे Hindus को particularly, उनको लेते थे, उनको train करते थे और उनके अंदर nationalist वाली feelings डालते थे और उनको convince करते थे कि जो India है वो सिर्फ hindus का लैंड है अब यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है हिंदू द मुस्लिम लीग का और हिंदू महासभा का द तो मुस्लिम लीग ये मुस्लिम लीग की पिक्चर है देवर दस देवर द लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग मिथ जो, जो मतलब मेन लीडर्स थे उनकी इमेजेस हैं। द मुस्लिम लीग इन ढाका इन द ईयर नाइनटीन ओ सिक्स तो ढाका में ये स्टार्ट हुआ था कौन सी ईयर में नाइनटीन ओ सिक्स में टेकन ओवर बाई यू पी बेस्ड मुस्लिम इलीट्स तो मुस्लिम लीग लीग को किसने ले लिया था जो यूपी में जो मुस्लिम इलीट्स थे मुस्लिम हाई क्लास थी उन लोगों ने इसको अपने अंडर लिया मेड डिमांड्स फॉर द अटोनमी ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज़ ऑफ द सब कॉन्टीनेंट एंड और पाकिस्तान इन द नाइनटीन फोटीज तो मुस्लिम लीग के क्या मेन यहाँ पे डिमांड्स uh, थी कि वो मुस्लिम्स की मेजोरिटी चाहते थे सब कॉन्टीनेंट में या फिर 1940 में आते आते तक उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड भी करी अब हिंदू महासभा क्या था हिंदू महासभा वर्स फाउंडेड इन 1915. 1915 में फाउंड हुई ये एक हिंदू पार्टी थी और ये नॉर्थ इंडिया में ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी एम टू यूनाइट हिंदू सोसाइटी बाई इनकेज इंग दिंदूज टू ट्रांसेंड द डिविजन्स ऑफ कास्ट एंड सेक्ट और वो हिंदू सोसाइटी को यूनाइट करना चाहते थे और जो ये डिविजन्स थे कास्ट और सेक्ट के बीच में रिलीजस सेक्ट और अपर कास्ट लोअर कास्ट इन सब के आइडियाज़ को भी वो हमेशा बरकरार रखना चाहते थे सॉट टू डिफाइन हिंदू आइडेंटिटी इन अपोजिशन टू मुस्लिम आइडेंटिटी और वो हिंदूज को ज़्यादा प्रेफ्रेंस देते थे मोर दैन द मुस्लिम्स तो ये हिंदू महासभा की इमेज है ये इसके मेन लीडर्स थे तो बेसिकली इस वीडियो में हमने सिर्फ इतना देखा एक ओवरव्यू देखा कि कैसे कैसे धीरे धीरे पाकिस्तान का आइडिया आइडिया जो था वो धीरे धीरे इमर्ज हो रहा था अब आगे आने वाली वीडियो में हम और भी और भी मेजर रीजंस देखेंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये आइडिया है धीरे धीरे एक पाकिस्तान के आइडिया में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही थैंक यू क्लास एक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर